जनाब स्पीकर साहब, कल साबिक वज़ीरे आला जान कमाल ख़ान साहब ने पशीन का दौरा किया और बड़ा तफसीलन दौरा किया, बहुत अच्छी बात है। जनाब स्पीकर साहब, उससे अच्छी बात ये होती कि अगर वो जब वज़ीरे आला की कुर्सी पे बड़ा जमान थे, अगर उस टाइम ये पशीन का दौरा करते तो मेरे ख़्याल से उससे भी अच्छा होता। आज कल जो ने विज़िट किया है, इनको पशीन की याद आई है। ये उन तहसीलों में गए, उन गांव में गए जो पिछले 3.5 साल में जब ये अपने कुर्सी पे वैसे वज़ीर आला बड़ा जमान थे उस दौर में तो ये नहीं गए हैं, और अब इनको पश्चिम की बड़ी याद आ रही है, पश्चिम के लोगों की बड़ी मोहब्बत इनको याद आ रही है कि आज पूरे बलूचिस्तान में जब ये साबिक का नाम जुड़ गया तो उनको पहले पश्चिम याद आए। जनाब स्पीकर साहब, मैं तो अपने एक रिकॉर्ड पर बात रखना चाहता हूँ कि जो 3.5 साल जाम कमाल ने या उनकी हुकूमत ने पश्चिम के साथ किया है बिलखसूस, वो ज़िंदगी भर हमें नहीं भूलेगा। आज तो ये पश्चिम जाते हैं, दौरा करते हैं, उरुमजी पहले ये नहीं गए, सेमजी ये पहले नहीं गए, बठेजी ये पहले नहीं गए, और मुख्तलिफ इलाके हैं जो कल ने विज़िट किए हैं। जनाब स्पीकर साहब, 3.5 साल तक हम यहाँ रोते रहे हैं, हाउस पर रिकॉर्ड मौजूद है, मीडिया मौजूद है, 3 बच्चियाँ हैं छोटी जिनको कैंसर था, 3 हज़ार दफ़ा इस हाउस में हमने आवाज़ बुलंद की कि इनके इलाज के लिए बंदोबस्त किया जाए, ये 3 बहनें हैं। और मुझे ये भी कहा गया कि मेरे पर्सनल सेक्रेटरी जाहिद सलीम साहब उनको डॉक्यूमेंट्स दें, उनका इलाज शुरू हो जाएगा, और आखिरी दिन तक जब तक ये वज़ीर आला साहब अपने जाम कमाल साहब बैठे थे उस दिन तक इनको उन्होंने उस पर कोई भी अमल नहीं किया, उस टाइम इनको पश्चिम की याद नहीं आई है। जनाब स्पीकर साहब, 2019 में बहुत तूफानी बारिश हुई पश्चिम में, जिसमें कली है लमड़ान, उसकी एक दीवार गिरी और एक ही घर के और एक ही बाप के 3 बेटियां उसमें शहीद हो गई है। जनाब स्पीकर साहब, थ्रू डिप्टी कमिश्नर मैंने इस हाउस में वो केस भी उठाया, लेकिन उस 3.5 सालों में उसका भी अजरा नहीं किया गया। जनाब स्पीकर साहब, हमारे किली सीएमसी में एक मकामी होटल है जिसमें एक सिलेंडर ब्लास्ट हो गया था, जिसमें 4 से 5 अफराद झुलस कर शहीद हो गए। मैंने इस हाउस में कहा था कि भाई उनको कंपनसेट किया जाए, ये एक ही खानदान के। जनाब स्पीकर साहब, उस टाइम उनको पश्चिम की याद नहीं है। मुझे थोड़ा अपने